हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। गर्भपात के दौरान दुष्कर्म की कोशिश के आरोपित से 1,00,000 रुपए की ठगी। 30 मई को बेता में घटी थी घटना। आरोपित को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। 2,00,000 पर सौदा तय होने की बात ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल। लहेरियासराय थाने के बेता में 30 मई को गर्भपात कराने आई महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। आरोपित को फंसाने और रुपए की ठगी करने के कई ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पीड़िता को मैनेज करने के लिए आरोपित के स्वजन से 2,00,000 रुपए की डिमांड की गई। इसके लिए जल्द से जल्द रुपए लेकर आने की बात भी उस ऑडियो में कही जा रही है। बाद में फिर 164 के बयान को बदलने और समझौते के लिए 1,00,000 रुपए पर सौदा किए जाने की बात सामने आ रही है। इसमें आरोपित के परिजनों से नकद 80,000 रुपए और गूगल पे से 20,000 रुपए लिए जाने की बात कही जा रही है। इसके बाद समझौता और शपथ पत्र पर पीड़िता से हस्ताक्षर भी कराया गया। आरोपित पक्ष को समझौता हो जाने का यकीन तो हो गया, लेकिन कुछ ही पल बाद पीड़िता अचानक गायब हो गई। काफ़ी खोजबीन के बाद पीड़िता जब नहीं मिली तो प्राथमिकी में अंकित पते का सत्यापन कराया गया। वहां कोई ट्रेस नहीं मिलने पर आरोपित के स्वजनों को ठगी का एहसास हुआ। अब तथाकथित दलाल से आरोपित के स्वजन रुपए वापस करने की मांग कर रहे हैं। इससे जुड़े कई ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं। इसमें मनोज देवनारायण आदि के नाम की चर्चा है। रुपए वापस नहीं होने पर आरोपित आशीष सिंह के पिता ने वरीय पदाधिकारियों से मिलकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। कहा कि अगर उनका पुत्र दोषी है तो फांसी दे दी जाए, लेकिन अगर निर्दोष तो फंसाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह भी कहा जा रहा है कि घटना के पीछे क्लिनिक संचालन का विवाद है। बहरहाल महिला थाने की पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी है। लोगों का नाम और पता सत्यापित किया जा रहा है।